Assalamu alaikum, welcome to my channel Education at E. So today we are going to start the next chapter of biology for class 10, chapter number 2, homeostasis. इसकी एक्सरसाइज को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसकी एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 10 और 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं. एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नंबर वन इज द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज. कंडीशन जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो किससे रेफर्ड है? होम्योस्टेसिस से, इंटरनल इन्वायरमेंट से, इंटरनल मेटाबॉलिज्म या फीडबैक मैकेनिज्म? सो द आंसर इज इंटरनल इन्वायरमेंट. अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट. ऐसा मेटाबॉलिज्म का सेट जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है वो नेगेटिव फीडबैक है. रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो ग्यूटेशन कहलाता है. प्लांट में प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया इज कॉल्ड हेलोफाइट्स. ऐसे प्लांट्स जो कि कोस्टल एरियाज के पास आसपास होते हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं. ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसिडर्ड ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन. द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विद इन सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. द किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम मेम्ब्रेन. द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन इज डर्मिस. सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. प्रॉक्सिमल भी और डिस्टल भी दोनों में सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है. द हॉर्मोन ADH इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. शॉर्ट क्वेश्चन हैं. नंबर वन इज व्हाई होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड. होम्योस्टेसिस क्यों जरूरी है? द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट. इट इंक्लूड्स H2O क्वांटिटी, वाटर क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स टेम्परेचर etc. फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस बॉडी रिक्वायर्स ऑल दीज कंडीशंस एज पर्टिकुलर लेवल. सो होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुइटेबल लिमिट्स. इंटरनल कंडीशंस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो रेफर करती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में. इसमें वाटर क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स, टेम्परेचर आ जाता है. और फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन जो है बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं ये कंडीशंस एक पर्टिकुलर लेवल तक. जो होम्योस्टेसिस है वो सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है जो मेंटेन रखता है इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कुछ लिमिट्स के साथ. व्हाई शुड द इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रिमेन कांस्टेंट? क्यों जरूरी है इंटरनल एनवायरनमेंट का कांस्टेंट होना? एग्जांपल दी है यहाँ पे. टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंजेस ड्यूरिंग द डे बट द एंजाइम्स वर्क्स विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर. देयरफॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट कीप देयर इंटरनल टेम्परेचर विद इन दिस रेंज. एग्जाम्पल है यहाँ कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है लेकिन जो बॉडी में एंजाइम्स मौजूद हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है होम्योस्टेसिस. व्हाई प्लांट्स रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स? प्लांट्स जो हैं वो लिक्विड वाटर को क्यों रिमूव करते हैं? म्यूटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स थ्रू स्पेशल पोर्स हाइडाथोर्स. It only occurs at night when water pressure is high in leaves and low temperature environment is present. ऐसा कब होता है? जो ग्यूटेशन है वो प्रोसेस कहलाता है रिमूवल ऑफ वाटर का. और जो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर है वो ट्रांसपायरेशन है, वो थ्रू आउट द डे चलती है. लेकिन रात होती है तो हाई प्रेशर होने की वजह से और बाहर का लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आते हैं स्पेशल पोर्स के थ्रू जिन्हें हाइडाथोर्स कहा जाता है. हाउ प्लांट्स सर्वाइव इन सॉल्टिश वाटर? सॉल्टिश वाटर में प्लांट्स किस तरह सर्वाइव करते हैं? हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि सॉल्टिश वाटर में रहते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है. प्लांट्स डेवलप सॉल्ट ग्लैंड्स वेयर प्लांट्स स्टोर सॉल्ट्स बाय टेकिंग इट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्लांट्स जो है सॉल्ट ग्लैंड्स डेवलप कर लेते हैं जिसमें प्लांट स्टोर हो जाता है सॉल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. प्लांट्स अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल. सम सॉल्ट एक्यूमुलेटेड एट सर्फेस ऑफ लीफ विच अट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम एयर. कुछ सॉल्ट जो है वो सरफेस ऑफ लीफ पे जमा हो जाता है जो कि अट्रैक्ट करता है पानी को. व्हाई स्किन इज कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन? स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कंसिडर की जाती है? स्किन जो है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का. बेसिकली फंक्शंस एज प्रोटेक्टिव ऑर्गन. बेसिक जो फंक्शन है वो तो प्रोटेक्टिव ऑर्गन है एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस है लेकिन ये होम्योस्टेटिक ऑर्गन भी है जो कि मेंटेन रखता है बॉडी का टेम्परेचर, वॉल्ट वाटर एंड सॉल्ट.
इफ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर, स्वेट ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस द सीक्रेट एंड सीक्रेट स्वेट, तो जो स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं स्किन में वो स्टार्ट करते हैं और सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं, स्वेटिंग, पसीना आ जाता है. द स्वेट एक्यूमुलेट्स एट द सर्फेस ऑफ स्किन विच इवेपोरेट्स विद हीट एनर्जी, तो द बॉडी फील्स कूलिंग. और जो स्वेट एक्यूमुलेट होता है सर्फेस ऑफ स्किन पे, जब वो इवेपोरेट होता है तो हीट एनर्जी निकलती है और बॉडी जो है वो कूलिंग फील करती है, कूलिंग इफेक्ट होता है. और ये जो सिक्रीशन है स्वेट की, ये सॉल्टिश होता है, तो बॉडी में मौजूद जो सॉल्ट है वो स्किन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है. What type of structures are present in dermis to perform different functions? किस तरह के structures present है dermis में functions perform करने के लिए? Dermis is a layer present between epidermis and hypodermis. Dermis एक layer है skin की जो कि epidermis और hypodermis के बीच में present होती है. It contains many different structures, that is nerves ending receptors to detect temperature range. Nerve ending receptors होते हैं जो कि temperature change को detect करते हैं, pain को detect करते हैं और pressure को. The dermis also contains sweat glands. Dermis में ही sweat glands होते हैं which secrete sweat on the surface to maintain temperature. Also secrete urea, water and salt. Sweat glands जो हैं present होते हैं dermis में, maintain रखते हैं temperature को और secrete करते हैं urea, water और salt को. A network of arterioles are present in the form of network. नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल्स प्रेजेंट होता है जो कि कॉल होता है, वो किस काम के लिए? टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए. द डर्मिस ऑल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल. हेयर फॉलिकल भी होते हैं उसमें, सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि ऑयली सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की आपने नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है बुक से देखकर. व्हाट इज किडनी स्टोन? किडनी स्टोन क्या है? अ किडनी स्टोन इज अ सॉलिड मास दैट फॉर्म्स फ्रॉम द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट. किडनी स्टोन जो है वो सॉलिड मास होता है जो कि बनता है क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से. समटाइम्स यूरिक एसिड एंड सिस्टीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट. कभी कभार ऐसा होता है कि इन क्रिस्टल्स में यूरिक एसिड और सिस्टीन भी प्रेजेंट होते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेट फ्रॉम यूरिन. ये मॉलिक्यूल जो है यूरिन से सेपरेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट इन किडनी एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन. प्रेसिपिटेट होते हैं किडनी में और डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोन. समटाइम्स दीज स्टोन्स आर नॉट हार्ड, देयरफॉर दे ब्रेक इनटू सैंड लाइक क्रिस्टल. कभी कभार ऐसा होता है कि ये स्टोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते और ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं क्रिस्टल्स, विच कैन पास आउट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी से पास आउट होते हैं विद यूरिन, विदाउट पेन, यूरिन के साथ विदाउट पेन. द लिटिल लार्ज साइज स्टोन हाउ एवर डैमेजेस द किडनी टिश्यू. कुछ ऐसे स्टोन्स भी होते हैं जो थोड़े लार्ज साइज के होते हैं और किडनी के टिश्यूज को डैमेज कर रहे होते हैं. इट मे स्टिक एनी वेयर इन यूरिनरी ट्रैक. वो कहीं भी हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक में और रीनल फेलियर या पेन का बाइस बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाउ ह्यूमन स्किन मेंटेन्स टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन. कोल्ड कंडीशन में ह्यूमन जो है वो किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं अपना टेम्परेचर? इन कोल्ड कंडीशन व्हेन बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, इरेक्शन ऑफ हेयर्स, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द हेयर्स अपराइट. मसल्स जो है स्किन के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हेयर्स को अपराइट पुल करते हैं एंड ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर नेक्स्ट टू स्किन, और ट्रैप कर देते हैं इंसुलेटिंग एयर को नेक्स्ट टू स्किन से. ना इट इज़ नॉट वेरी मच इफेक्टिव इन ह्यूमन. ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये. जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं उनमें हेयर्स जो मौजूद हैं वो बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम गूज बम्स कहते हैं. इस ये सर्दियों में ही क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि ये स्किन को इंसुलेट करके रख सके. वैसो कॉन्ट्रैक्शन नैरोइंग ऑफ ब्लड आर्टेरियोल्स ऑफ डर्मिस अकर्स विच रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज ऑफ स्किन सो लेस हीट इज़ लॉस्ट. ब्लड आर्टेरियोल्स जो हैं डर्मिस की वो नैरो हो जाती हैं, जो कि रिड्यूस करती हैं ब्लड फ्लो को कैपिलरीज ऑफ स्किन में जाने से, जिसकी वजह से हीट लॉस कम होता है. डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन. स्वेटिंग जो है वो कम हो जाती है सर्दियों में. द स्वेट ग्लैंड स्टॉप्स टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्वेट सो इट प्रिवेंट फ्रॉम एनर्जी लॉस. जब स्वेटिंग कम होगी तो एनर्जी लॉस भी कम होगा. क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हेन डायलिसिस इज रिक्वायर्ड. डायलिसिस कब रिक्वायर्ड होता है? पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट. अ पर्सन विद टू हेल्दी किडनीज में डोनेट वन किडनी एंड सर्वाइव विद वन किडनी. पेशेंट जो है किडनी फेलियर के, उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन जो पर्सन टू हेल्दी किडनीज के साथ है, अगर वो अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है, वो तो दूसरी किडनी के साथ सर्वाइव कर सकता है. लेकिन
अगर डोनर मौजूद नहीं है तो पेशेंट को डायलिसिस पे ट्रीट किया जाता है डायलिसिस मशीन यूज़ करके। डायलिसिस मशीन परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ किडनी। इट हेल्प्स टू क्लीन द पेशेंट्स ब्लड, और ये हेल्प करती है पेशेंट के ब्लड को क्लीन करने के लिए फ्रॉम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्शन टॉक्सिक्स। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिक है वो उस मशीन में लेफ्ट हो जाता है। वाई फिल्ट्रेशन एट पैराटिब्यूलर कैपिलरी इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पैराटिब्यूलर कैपिलरीज को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन मैल्फीजन बॉडी व्हेन द ब्लड फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल एंटर्स इनटू ग्लोमेरुलस लोकेटेड इन बोमेंस कैप्सूल। अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसमें बोमेंस कैप्सूल है और मैल्फीजन बॉडी है, वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ प्रेजेंट होती है पैराटिब्यूलर कैपिलरीज। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज इनटू बोमेंस कैप्सूल। ज़्यादातर जो ब्लड प्लाज्मा है वो फोर्स आउट होता है ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज से बोमेंस कैप्सूल तक विदाउट एनी सिलेक्शन। उसमें कोई सिलेक्शन नहीं होती कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ से फिल्टर हो रहे हैं और कौन से नहीं, वो डायरेक्ट से पूरा ब्लड फोर्स कर दिया जाता है बोमेंस कैप्सूल में। ये जो प्रोसेस है नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन का, इसी वजह से इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, जो कि पैराटिब्यूलर कैपिलरीज कर रही होती हैं। एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ स्किन वर्क्स एज थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। स्किन जो है वो थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का काम कैसे करता है? द स्किन इज द ऑर्गन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। वेन द रिसेप्टर इन स्किन डिटेक्ट्स चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री। स्किन जो है वो एक ऑर्गन है, हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। जब रिसेप्टर स्किन में डिटेक्ट कर देते हैं टेम्परेचर चेंज बॉडी में, जो ह्यूमन्स का सेट पॉइंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो फौरन से रिसेप्टर जो है वो सेंड करते हैं नर्व इम्पल्सिस को मैसेज, जो कि ब्रेन तक जाता है, और उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म से बॉडी का टेम्परेचर करेक्ट हो जाता है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा राइज होना स्टार्ट हो जाए तो प्रोडक्शन ऑफ स्वेटिंग होती है। जैसे ही वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन क्या करेगा, फौरन से स्वेट ग्लैंड्स को इनिशिएट करता है और सिक्रीशन स्टार्ट करता है स्वेटिंग की। स्वेटिंग जो है वो एक इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स हो जाता है। जैसे सर्दी लगती है तो हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो हॉट कंडीशंस में वही हेयर्स जो है वो नीचे लेट जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और इसके अलावा उसमें वैसो कॉन्ट्रैक्शन थी, यहाँ वैसो डायलेशन होती है। आर्टेरियोल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन डर्मिस। डर्मिस में जो आर्टेरियोल्स प्रेजेंट हैं नेटवर्क की फॉर्म में, वो डायलेट हो जाते हैं, बिकम वाइड, चौड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी उनकी सर्फेस एरिया बढ़ जाता है, विच इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड। जाहिर है जब एक चीज़ बड़ी हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो उसमें फ्लो ऑफ ब्लड भी इंक्रीज होगा। एज वेल इट ब्रिंग्स द ब्लड वेसल्स नियर द सर्फेस ऑफ स्किन। फिर ये नर्व ब्लड वेसल्स जो हैं ये सर्फेस ऑफ स्किन के करीब हो जाती हैं, और जो कि अलाउ करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस, और ये प्रोसेस जो है वेसल डायलेशन का, इसे वैसो डायलेशन कहा जाता है। और अगर कंडीशन कोल्ड हो तो इरेक्शन ऑफ एयर होती है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसी का ऑपोजिट वैसो डायलेशन का, और डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन हो जाएगी और इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इन कोल्ड कंडीशन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ऑर्गन्स इंक्रीजेस, जनरेटिंग मोर हीट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम। इट प्रिवेंट्स लॉस थ्रू द एडिपोस टिश्यूज इन हाइपोडर्मिस विच वर्क एज एन इंसुलेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर टू इज डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन्स कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनीज क्या है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड होती हैं डोर्सल साइड ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल साइड पर, दोनों साइड्स पर मौजूद होती हैं। पीछे की तरफ द किडनीज लाई अबव द वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन से बिल्कुल अबव होती हैं। ईच किडनी हैज़ एन एरिया इन द सेंटर ऑफ कनकेव सरफेस विच फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। बीन्स अगर आपने देखे हो, लोबिया जिसे कहते हैं, लाल लोबिया है, उसकी शेप कैसी होती है कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कनकेव होता है। इसी तरह जो कनकेव एरिया है वो फेस कर रहा होता है वर्टिब्रल कॉलम को। दिस एरिया इज कॉल्ड हिलस, और वो हिलस कहलाता है। द रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व एंड यूरेटर आर कनेक्टेड टू ईच किडनी एट दिस हेल। तो जो ये हिलस प्लेस है वहाँ पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और नर्व और यूरेटर कनेक्टेड होते हैं। और यूरेटर क्या है, यूरेटर इज अ नैरो ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द
यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो है वो कनेक्ट करती है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिन पासिस थ्रू यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो है वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है किडनी से फिल्टर होकर। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग सिचुएटेड टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द अबडोमिनल कैविटी। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो थिन वॉल्ड मस्कुलर बैग होता है, सिचुएटेड होता है टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ अबडोमिनल कैविटी में, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम विच स्टोर्स यूरिन। बिल्कुल रेक्टम के फ्रंट पे होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब विच कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद आगे ही जो है ट्यूब अराइज होती है यूरिनरी ब्लैडर की, जो कि ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू यूरिनरी ओपनिंग। यूरिनरी ओपनिंग से वो बॉडी के बाहर की तरफ ओपन हो रही होती है। इट पासिस यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, और ये पास करती है यूरिन को ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी। अगर डायग्राम देखें तो यहाँ लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दिखाई गई है, साथ ही नीचे आ रहा है एक ट्यूब लाइक यूरेटर, और उस यूरेटर से जो है वो आगे ब्लैडर और यूरेथ्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद इन द एलएस ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताना है हमने, पहले एलएस ऑफ किडनी देख लेते हैं। एलएस मींस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। अ फ्लूइड इज फिल्ड इन बिटवीन द पेरिटोनियम एंड किडनी कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड विच रिड्यूसेज द फ्रिक्शन। किडनी इनक्लोज होती है मेम्ब्रेन में, जिसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है पेरिटोनियम, जो कि किडनी को पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को। अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज थ्री मेन पार्ट्स। अगर हम लॉन्गिट्यूडनली किडनी को कट करें तो तीन मेन पार्ट्स नज़र आते हैं हमें किडनी में, द कॉर्टेक्स, द मेड्यूला एंड द पेल्विस। कॉर्टेक्स इज द आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पोर्शन होता है डार्क ब्राउन कलर का। इट इज़ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है फाइब्रस कैप्सूल से। द मेड्यूला इज द इनर लाइटर पोर्शन ऑफ द किडनी। उसी के अंदर थोड़ा सा लाइटर पोर्शन होता है जिसे मेड्यूला कहा जाता है। इट कंटेन्स अ कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। उसके अंदर बिल्कुल कॉन शेप ट्राइंगुलर पायरामिड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। द ह्यूमन किडनी कंटेन्स 12 to 16 पायरामिड्स। दोनों ह्यूमन किडनीज में 12 to 16 पायरामिड्स होते हैं। द मेड्यूला कंटेन्स नेफ्रॉन। इसी मेड्यूला के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन्स जो हैं वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं किडनी के, मीन्स नेफ्रॉन्स से ही किडनी बनी है। मेन जो फंक्शन है वो नेफ्रॉन्स का होता है। दीज आर टाइनी किडनी ट्यूब्यूल्स वेयर ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स टू प्रोड्यूस यूरिन। ये छोटे छोटे से किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ ऑस्मो रेगुलेशन होती है, यूरिन प्रोडक्शन होती है। द किडनीज आर कनेक्टेड टू द यूरेटर एट पेल्विस। पेल्विस पे यूरेटर से कनेक्टेड होती हैं किडनीज, और पेल्विस जो एक फनल लाइक स्पेस होती है, इट इज़ अ इनलार्ज पोर्शन ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट हैं किडनी के। ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 million नेफ्रॉन्स। 1 million से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं, जो कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 main parts। 4 main parts होते हैं इसके, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इन टू अ ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो ओपन होते हैं एक ट्यूब में, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। नेफ्रॉन्स आर सराउंडेड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स दैट आर कनेक्टेड टू द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। नेफ्रॉन्स जो हैं वो सराउंडेड होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स से, जो कि कनेक्टेड होती हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन के साथ। आपने ऊपर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की डायग्राम देखी थी, वो डायग्राम अगर आप यहाँ भी बना लें तो बहुत बेहतर होगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के साथ। डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शन। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बताना है नेफ्रॉन में और उनका फंक्शन क्या है। ब्लड वेसल्स इन नेफ्रॉन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट दैट सराउंड द नेफ्रॉन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं जो कि सराउंड करती हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन पूरे नेफ्रॉन के ऊपर लिपटी होती हैं रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्टेरियोल, ईफरेंट आर्टेरियोल एंड रीनल वेन। आर्टरी और वेन का डिफरेंस तो पता होगा। वेन जो है वो ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है, और हार्ट से जो है वो पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो आर्टरी की हेल्प से। अच्छा, रीनल आर्टरी क्या करती है,
The renal artery when enters into kidney, it divides into millions of branches called afferent arteriole. जैसे ही renal artery enter होती है kidney में, तो वो divide कर देती है millions of branches में, जिसे afferent arteriole कहा जाता है. The blood enters the kidney by renal artery goes into afferent arteriole. जो blood enter होता है kidney में renal artery से, वो afferent arterioles में जाता है. Each afferent arteriole further divides into numerous blood capillaries. हर afferent arteriole जो है वो further divide हुआ है बहुत सारी blood capillaries में, Bowman's capsule में, are collectively called glomerulus. Bowman's capsule with glomerulus are collectively called Malpighian body. इन दोनों Bowman's capsule और glomerulus को collectively Malpighian body कहा जाता है और renal capsule कहा जाता है. Blood leaving the glomerulus through efferent arteriole. अब जो glomerulus को leave कर रहा है blood जो पहले enter हुआ था वो efferent arteriole में जाएगा. ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन. इफ्रेंट आर्टेरियोल्स जो हैं वो पूरे नेफ्रॉन्स पर लिपटी हुई हैं. ब्लड कैपिलरीज सराउंड अ लूप ऑफ हेनले यूनाइट टू फॉर्म विन्यूल. वो ब्लड कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड किया हुआ है जिन्होंने, वो यूनाइट होके विन्यूल बनाती हैं, विच अल्टीमेटली ज्वाइंस टू फॉर्म अ ब्रांच ऑफ रीनल वेन. फिर वो वहाँ ज्वाइन होकर रीनल वेन बना लेती हैं. डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज एंड देयर ट्रीटमेंट. डिफरेंट डिसऑर्डर्स बताने हैं किडनी के और उनकी ट्रीटमेंट क्या है. किडनी स्टोन है सबसे पहले. किडनी स्टोन पहले जैसे शॉर्ट आंसर्स में डिस्कस किया जा चुका है क्या होता है. क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम कार्बोनेट के, और कभी कभार यूरिक एसिड भी क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है और वो डिपॉजिट हो जाता है किडनी में. और वो डिपेंड करता है कि किडनी के कौन से पार्ट में है. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे बारीक होते हैं, उन्हें दवाइयों से ब्रेक करके भी निकाला जा सकता है यूरिन के थ्रू. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं और उनका बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता इजीली. तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है. इफ़ द साइज़ ऑफ स्टोन इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल, वी कैन यूज़ अ टेक्निक ऑफ लिथोट्रिप्सी. लिथोट्रिप्सी के एक अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू हम स्टोन को ब्रेक करते हैं और वो जो ब्रेक हुए हुए छोटे छोटे पीसेज हैं वो आराम से ड्रेन हो जाते हैं किडनीज में से यूरिन के थ्रू. और जो लार्ज साइज़ के होते हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते लिथोट्रिप्सी से, तो उन्हें हम ऑपरेट करके रीनल सर्जरी की जाती है, उससे रिमूव किए जाते हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा अमाउंट में पानी पिए, जो कि स्टोन को किडनी में बनने नहीं देता बल्कि वो फ्लश कर देता है ऐसी तमाम केमिकल्स को. किडनी फेलियर. किडनी फेलियर क्या है. समटाइम्स नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग. अच्छा, किडनी फेलियर में जो नेफ्रॉन्स हैं, यूनिट है किडनी का, वो काम करना बंद कर देता है जिसकी वजह से किडनी फेलियर होता है. इट इज़ मेनली ड्यू टू सॉल्यूट डिसबैलेंस इन ब्लड एंड किडनी. ये किस वजह से होता है. सॉल्यूट का डिसबैलेंस हो जाता है ब्लड में और किडनी में. द फेलियर ऑफ किडनी अलाउज यूरिया एंड अदर वेस्ट मटीरियल टू एक्युमुलेट इन ब्लड. फेलियर ऑफ किडनी अलाउ करता है फिर यूरिया और कुछ दूसरे वेस्ट मटीरियल को ब्लड में एक्युमुलेट करने के लिए. तो अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट रेगुलेटेड ऑल्सो, और जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी रेगुलेटेड नहीं होता. दिस डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट कॉजेज डेथ अनलेस द पेशेंट इज़ गिवन ट्रीटमेंट टू फिल्टर आउट वेस्ट बाय मशीन. और इस डिसबैलेंस की वजह से ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा. ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में टॉक्सिन, जहरीली चीज़ें, जहरीली केमिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. इसीलिए फिर उनको डायलिसिस पे लगाया जाता है. डायलिसिस मशीन वही वर्क करती है जो किडनी वर्क कर रही है, और ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी में एंटर किया जाता है. और इफ़ेक्टिव जो पेशेंट हैं जो कि डायलिसिस पर आ चुके हैं, वो क्या करते हैं फिर 2 to 3 times a week उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है. ईच सेशन जो है वो 3 to 5 hours का होता है, जो कि पेशेंट की बॉडी या साइज़ पे डिपेंड कर रहा होता है. अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो पेशेंट हैं तो उन पे ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस पे थोड़ा कम टाइम लगेगा. लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है. इसीलिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ इंसान के अंदर बनाई है वो एक नेमत से कम नहीं है. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे आप हेल्दी हैं. और इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपने आप को हेल्दी डाइट पर रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जो जिस चीज़ की जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को, उतनी ही खाएं, उतनी ही पिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करें. बहुत ज़्यादा खाना पीना भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3.
टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।